आप सभी लोगों को नमस्कार। तो आइए, स्वागत है आप सभी लोगों का ए टू जेड इनऑर्गेनिक बैच के अनाउंसमेंट में। तो जैसा कि हम लोगों ने थोड़े समय पहले कम्युनिटी पोस्ट पे पोलिंग करवाया था, तो आप लोगों ने बहुत सारा एक तरीके से इंटरेस्ट दिखाया था इस ए टू जेड इनऑर्गेनिक बैच में। और यहाँ पर आप लोगों ने जो सुझाव भी दिए थे वो ये दिए थे कि सर एक ऐसा बैच लेके आइए जो एकदम बेसिक से स्टार्ट हो, 11th क्लास से स्टार्ट हो और MSc तक की चीज़ों को जोड़ता हो। अब हालांकि मैं भी बहुत समय से सोच ऐसा ही रहा था, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में एक थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड टॉपिक ज़्यादा है, कि मतलब जो है सो है और जो नहीं है सो नहीं है। उसी को अगर एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया जाए, एक स्टार्टिंग सिक्वेंस स्टार्ट किया जाए और उस सिक्वेंस को जोड़ते हुए समा बांधते हुए एकदम हायर चीज़ों से जोड़ दिया जाए, तो आपकी जो हायर वाली चीज़ें हैं वो बहुत आसान सी बन जाती हैं। आप बहुत हद तक अपनी चीज़ों को याद कर सकते हो पुरानी वाली चीज़ों से रिलेट करके। तो ऐसा ही मैं बैच आप लोगों के सामने लेके आ चुका हूँ, और ये अपने आप पे इंडिया का पहला बैच है जो कि 11th क्लास से MSc तक के कॉन्सेप्ट्स को अपने आपस में एक फ्लो में जोड़ रहा होगा। आज तक ऐसा बैच किसी ने नहीं पढ़ाया है। ये चीज़ मुझे बोलते हुए थोड़ा सा अच्छा मतलब गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि एक हम बेसिक से स्टार्ट करके और बेसिक की चीज़ों को बढ़िया से फ्रेम करके हम एडवांस वाला पार्ट जो नेट गेट एग्ज़ाम्स में आता है उससे जोड़ रहे होंगे। और ऐसा ही होगा, जब आप टॉपिक की शुरुआत करेंगे तो टॉपिक की शुरुआत ही केमिस्ट्री की डेफिनेशन, उसकी ब्रांच के बारे में अच्छा सा क्लासिफिकेशन और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन उससे शुरुआत कर रहे होंगे। और क्या क्या हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं उन सब टॉपिक्स की बात करेंगे। लेकिन इस बैच को कौन कौन ज्वाइन कर सकते हैं, वो सभी एस्पायरेंट जो 11th 12th नीट IIT की तैयारी कर रहे हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब जो आपके छोटे भाई बहन हैं वो भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर जिनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही सिर्फ सीखना है। उसके बाद BSc और IITM, जो स्टूडेंट BSc की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर बहुत लेंदी लिखना होता है, IITM की तैयारी कर रहे हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस बैच इज़ मेनली डेडिकेटेड फॉर दीस एस्पायरेंट्स, मतलब जो MSc में हैं या फिर MSc पास आउट हैं, जो नेट गेट की तैयारी कर रहे हैं, जिनको एक बढ़िया सा सिक्वेंस में कंटेंट चाहिए और जो सब्जेक्ट भी सीखना चाहते हैं। इस बात पे आप हमेशा गौर कीजिए कि मेरा जो हमेशा पढ़ाने का तरीका है वो एक किसी एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं होता है, एक स्टार्टिंग से सब्जेक्ट को स्टार्ट करके उसको एक फ्लो में स्टार्ट करके उसकी चीज़ों को आगे जोड़ते रहने से आपको सारी चीज़ें सिखाने से मतलब होता है। तो उम्मीद है मैंने ये समझा दिया है कि ये जो बैच है ये कौन कौन से एस्पायरेंट्स, कौन कौन से स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि इस बैच के फीचर्स क्या हैं। रिकॉर्डेड प्लस लाइव वीडियोस, पहले तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, उसके बाद आपको लाइव वीडियोस में थोड़ा सा समराइज मतलब चीज़ों को इकट्ठा किया जाएगा, जो हाइलाइटिंग की पॉइंट्स होंगे, जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में ट्रेंड्स होते हैं जो खासकर होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड एंगल होते हैं उसका वेरिएशन हो गया या फिर हाइब्रिडेशन हो गया उसका आइडिया हो गया, कैलकुलेशंस वगैरह हो गया, शॉर्ट मतलब समरीज टाइप के हो रहे होंगे उस वाले टॉपिक्स में, ठीक है। वो सब हमारे लाइव इंटरेक्शन फ्यूचर में रहेंगे। उसके बाद असाइनमेंट विद वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, इसमें असाइनमेंट्स आप लोगों को जो मेनली मिल रहे होंगे वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही एक फ्रेम किए गए होंगे और स्टैंडर्ड बुक से ही उठाए गए होंगे। उसके बाद डाउट फैसिलिटीज़ भी आपको अवेलेबल होंगी, सब बता दिया जाएगा ऐप पर किस तरीके से क्या सब कुछ वर्क करने वाला है। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी अर्निंग में जुड़े हुए हैं उनको पता ही है कि मैंने किस तरीके से सारी चीज़ें बता रखी हैं। उसके बाद चैप्टर्स का एक शानदार सिक्वेंस होगा, यूँ कह लीजिए अपनी जो जान है किसी भी तरीके से पढ़ाने की, चाहे वो ऑर्गेनिक की आपने अभी तक देखी हो और इनऑर्गेनिक का ये पहला बैच में लॉन्च करने जा रहा हूँ, अभी तक ऑलमोस्ट 4 साल यूट्यूब पे हो जाने वाले हैं, इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहली बार एकदम बेसिक से एडवांस तक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये अपने आप में एक मतलब जितना आप लोगों के लिए थ्रिलिंग एडवेंचर होगा उससे ज़्यादा मेरे लिए भी होगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से चीज़ों को इकट्ठा करके आपको एक सिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले जो मैंने शुरुआत ही की थी वो केमिकल बॉन्डिंग से की थी, जहाँ पर जो एस्पायरेंट्स मेरे से 2018 बैच में जुड़े थे उन्होंने देखा था किस तरीके से केमिकल बॉन्डिंग को अपन ने वहाँ पर स्टार्ट किया था। बाकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी यूट्यूब पर डला हुआ है, आप वहाँ से भी डेमो वीडियोस का आइडिया ले सकते हैं। और हालांकि और डेमो वीडियो देखना है तो आप ऐप पर जाके पर्टिकुलर बैच के अंदर भी आपको 3-4 डेमो वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पर आप देख लेंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं फीस, तो इसका आइडिया आपको सेमेस्टर क्लासेस ऐप पर ही मिल जाएगा, जिस पर्टिकुलर बैच का जो नाम होगा वो ए टू जेड इनऑर्गेनिक बैच होगा उस पर आपको दिखा दिया जाएगा। और फिर फाइनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस IITM नेट और गेट, ये सब कुछ आपको बैच में मिल रहे होंगे। इन सब की जो वैलिडिटी है वो है फरवरी 2023, मतलब 1 साल की लगभग
वैलिडिटी आपके पास रहेगी, जिसमें आप जो भी आपके इस साल आने वाले एग्ज़ाम हैं वो सब आप बढ़िया से तैयार कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर सीखते हुए अगर एग्ज़ाम निकालेंगे तो हमारा एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी होगा, उसके बाद हमें ज़्यादातर लोगों को टीचिंग भी करनी होती है, तो टीचिंग के लिए एक दमदार कंटेंट चाहिए होता है, एक सिक्वेंशियल कंटेंट चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि किसी भी कंटेंट में खड़े होकर अपन शुरू हो जाएंगे और टीच कर देंगे। एक अगर सिक्वेंशियल कंटेंट मिल जाएगा तो जो आपके एफर्ट्स हो जाएंगे वो थोड़े से कम लगेंगे, आपको बस चीज़ों को याद करके वहाँ पर समझाना रहा होगा और कुछ अपनी चीज़ें ऐड ऑन करनी रही होंगी। तो इसको मैं टीचर्स इन अर्निंग बैच भी कह सकता हूँ। तो जो टीचर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह से अपन को देख रहे हैं, वो सब भी इस बैच को बढ़िया से अपने सीक्वेंस को और अच्छा करने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इस पर एक अच्छी खासी मैं मेहनत करने वाला हूँ और करने क्या वाला हूँ, कर दी है। कहने का मतलब जो बेसिक इन अर्निंग केमिस्ट्री है वो चैप्टर हमने कम्प्लीट कर दिया है। ऑलमोस्ट 12 टू 15 लेक्चर्स मिलने वाले हैं आपको और आज ही ऐप पर वो आपको दिख जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए तो हमने सिलेबस को दो पार्ट्स में बांटा है, एक है बेसिक टॉपिक्स और एक है एडवांस टॉपिक। जो बेसिक टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहले बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आइडिया होगा, जहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर एक शानदार टॉपिक है अपने आप में, क्वांटम नंबर्स एंड शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, पीरियोडिक टेबल का स्टार्टिंग में ही आइडिया, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, डेफिनेशंस किस तरीके से यूज़ होगा, इस तरीके से शानदार टॉपिकों से एकदम मतलब गजब तरीके से भरा हुआ टॉपिक है बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल बॉन्डिंग, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स, एस ब्लॉक केमिस्ट्री, पी ब्लॉक केमिस्ट्री, डी एंड ए ब्लॉक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, मेटलर्जी और क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो ये सारे जो टॉपिकों का लेवल होगा वो आप यूँ मान लीजिए 11th 12th IIT और नीट लेवल रहा होगा। अब ये सब टॉपिक बेसिक लेवल पर कवर करने के बाद जो एडवांस टॉपिक्स हैं उसमें ये सारे टॉपिक्स रहे होंगे, जिसमें एडवांस केमिकल बॉन्डिंग होगा, जिसमें नेट गेट के जो रिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं वो भी ऐड किए जाएंगे, वो टॉपिक्स भी ऐड किए जाएंगे और आपको एक एडवांस अप्रोच मिल रहा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। उसके बाद एक स्पेशल टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, जहां पर मैं एक क्लासिफिकेशन ऑफ जैसे हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस के बारे में सारी रिएक्शंस बता रहा हूंगा, कुछ स्पेशल रेडॉक्स रिएक्शंस होंगी उसकी बात कर रहे होंगे, ऐसे ही कुछ शानदार रिएक्शंस होंगे उसको क्लासिफाई करते हुए अपन वहां पर पढ़ रहे होंगे। फिर कंपाउंड केमिस्ट्री, जहां पर अपन जो खासकर बोरोन कंपाउंड्स हो गए, ऐसे ही सिलिकॉन कंपाउंड्स हो गए, उनकी केमिस्ट्री को थोड़ा सा डिटेल में जान रहे होंगे, फॉस्फाजीन्स हो गए, इस तरीके से अपन वहां पर बात कर रहे होंगे। फिर एडवांस कोऑर्डिनेशन तो पढ़नी ही पढ़नी है, ऑर्गेनोमेटलिक्स एक खास टॉपिक होता है एडवांस केमिस्ट्री का, जहाँ से नेट गेट में भी बहुत अच्छे नंबर का वेटेज होता है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एसिड बेस केमिस्ट्री, ए ब्लॉक केमिस्ट्री जो एडवांस लेवल पर आ जाता है, और फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो ये कुछ टॉपिक्स रहे होंगे अपने पास एडवांस वाले पोर्शन में। तो ओवरऑल 10+9 19 टॉपिक्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मिल रहे होंगे, और जिसमें से हमने बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर दिया है, और कल या परसों से हमारे पास पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के भी लेक्चर मिलना शुरू हो जाने वाले हैं। कहने का मतलब इस बार पहले काम कर दिया है, उसके बाद अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। तो सब कुछ सिस्टमेटिक चल रहा है, अभी तक तो बढ़िया ही चल रहा है, बाकी आप जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम नेक्स्ट वीक तक केमिकल बॉन्डिंग में पहुंच जाएंगे, और केमिकल बॉन्डिंग चाहे वो बेसिक हो चाहे वो एडवांस हो, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब बेसिक आएगा तभी तो एडवांस आएगा, और जब बेसिक नहीं आएगा तो एडवांस भी आपको इतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा। उम्मीद है आप ये सब बातें अच्छे से समझ जा रहे हो। अब एक बात मैं कर लेता हूँ कि बस मैं हमेशा एक ही बात आप सभी लोगों से कहता हूँ, और फिर से एक बात ये कहता हूँ कि किसी एग्ज़ाम के लिए ना पढ़कर सब्जेक्ट सीखने के लिए पढ़िए। उसका कारण ये है क्योंकि अगर एक बार आप चीज़ों को सीख जाओगे तो यही आपको ज़िंदगी की जितने भी एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं, जहाँ पर आपको फाइनेंशियली स्टेबल करना हो गया, आपको टीचिंग जॉब्स मिलनी हो गई, ये आपको वहाँ पर खड़ा कर रहा होगा। क्योंकि जनरली मैंने देखा है सब लोग एग्ज़ाम निकालने के बाद फिर देखते हैं कि टीचिंग कैसे करेंगे, फिर देखते हैं कि कंटेंट को इकट्ठा करते हैं, फिर देखते हैं चीज़ों को बेसिक से उठाते हैं 11th 12th पे, और फिर उतनी ही मेहनत करनी होती है जो स्टार्टिंग में अगर कर ली जाए तो बहुत फ़ायदा रहता है। क्योंकि एक बार बेसिक से चीज़ें शुरू करोगे तो फिर हायर लेवल की चीज़ें सीखने में इतना ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। अगर पहले ही हायर को रट्टा रट्टा मार मार के आप लोग सीख जाओगे तो फिर बेसिक चीज़ों को पढ़ते समय आपका दिमाग भी खराब होगा एक तरीके से, और आप अपने आप में डिप्रेस फील भी करोगे कि हमने अपने टाइम पर बेसिक चीज़ों को कभी सीखने पर इतना तवज्जो, इतना अहमियत, इतनी इंपॉर्टेंस दी ही नहीं। तो इस बात को बहुत ही ध्यान रखिएगा, और मैं इसी ही लाइन पर चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ाना हुआ इन 3-4 सालों में, चाहे अब ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ाना हुआ फ्यूचर में फिजिकल का बैच में, अभी तो नहीं आपको कहूँगा क्योंकि अभी इनऑर्गेनिक में काम बहुत सारा करना है, तो पहले एक एक करके सारी चीज़ें करेंगे, जल्दबाजी में इस बार कुछ नहीं है, आराम आराम से सीखिए। और यही कहूँगा, इस लॉकडाउन को इनऑर्गेनिक सीख कर बेहतरीन बनाइए मेरे साथ।
जहाँ पर आपको सच में एक अलग लेवल का कंटेंट मिल रहा होगा जो आपके स्पेशली टीचिंग पर्पस एग्ज़ाम ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा हेल्पफुल रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को मैंने बहुत हद तक अपने इस छोटे से वीडियो में जानकारी दे दी है और आपको समझ में भी आ चुका है कि मैं आपको क्या समझाना चाहता था। तो ओवरऑल हमारे पास ये सारी बातें हैं जो मैं बताना चाह रहा था। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।